गुड मॉर्निंग बच्चे, आज मैं बोलने जा रहा हूं किसके बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। हमने बात किया था वर्क एंड एनर्जी चैप्टर से एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स, तो क्या होते थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया इससे पहले वाले वीडियो में, और आज मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जैसे देखो एक मेरे हाथ में ये देखो रबर बैंड दिख रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसे ऐसे स्ट्रेच किया, मेरे हाथ में चोट लग गई। क्यों लगी ये चोट, क्योंकि मैंने इसे स्ट्रेच किया तो रबर बैंड में कौन सा एनर्जी स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। देखो अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, अभी इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया, और जब मैं छोड़ा तो मेरे हाथ में चोट लगी बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो एक और भी एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखो ये देखो पिक्चर दिख रहा है, पिक्चर में दो दिख रहा है, एक स्प्रिंग दिखा, ठीक है, और स्प्रिंग के आगे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बट वो स्ट्रेच नहीं है। नीचे वाला देखो उसमें स्ट्रेच किया हुआ है, मतलब जब स्ट्रेच किया हुआ यानी कि उसमें कौन सा एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये हमने देखा जो अगर स्ट्रेच हो जाता है रबर बैंड या कोई स्प्रिंग तो उसमें एनर्जी एक आ जाता है, उसके पास एक एनर्जी होता है, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब आता हूं एक और भी, इसको हटाओ, चलो दूसरा पिक्चर देखो, ये देखो दिखा बो एंड एरो दिख रहा है, एक बच्चा ऐसा बो एंड एरो खींच रहा है यानी कि एरो को खींच रहा है, तो जब पुल किया हुआ है तो उसमें कौन सा एनर्जी स्टोर किया है, पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये छोड़ेगा तो दैट पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये एरो मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ये भी हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं बोलूं तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आर दोज एनर्जी विच इज पोसेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स शेप साइज एंड इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है, शेप के कारण। देखो इसका हमने शेप साइज चेंज कर दिया तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। बो एंड एरो में देखना जब वो खींचता है तो उसमें शेप साइज चेंज होता है, तो कौन सा एनर्जी स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो जैसे कि एक चीज मैं दिखा रहा हूं, ये दिख रहा है ये बॉक्स, इस बॉक्स के पास अभी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मैं इसकी हाइट इंक्रीज कर दिया यानी कि ऊपर कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया, हाइट कम पोटेंशियल एनर्जी कम, हाइट ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है किस पे, हाइट पे, शेप पे एंड साइज पे, डन। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या हुआ, दोज एनर्जी और द एनर्जी पोसेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स शेप साइज और हाइट, ठीक है। तो आई थिंक ये डेफिनेशन भी समझ में आ गया। अब इसकी डेरिवेशन कैसे, इसकी फॉर्मूला डेवलप होती है और इस पे कुछ न्यूमेरिकल के लिए मैं अभी बता रहा हूं, आ जाओ चलो। पोटेंशियल एनर्जी, नाउ सी पोटेंशियल एनर्जी, यू नो दैट ई मीन्स एनर्जी, पी मीन्स पोटेंशियल एंड इट्स फॉर्मूला इज एम जी एच, ओके, वेयर दिस एम इज व्हाट, This M is mass. This is mass. Mass. Okay. This G is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Gravity. And this is what? This is height. ओके, सो दिस इज आवर फॉर्मूला। सो व्हाट इज दिस, ई मीन्स एनर्जी, पी मीन्स पोटेंशियल, सो व्हाट इज दिस, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू व्हाट, एम जी एच, एम जी एच, व्हाट इज एम जी एच, एम जी एच, दैट मीन्स एम जी एच व्हाट, इट इज mass into acceleration due to gravity into height. So mass into acceleration due to gravity into height. This is mgh. Okay. Now see, if we will use this formula to
सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन देन यू सी. सपोज दिस इज एनी बिल्डिंग, सपोज इट इज एनी बिल्डिंग एंड ऑन दिस बिल्डिंग सपोज एनी बॉल इज देयर, लेट द बॉल बी दिस. सपोज दिस इज अ बॉल, ओके आई हैव मेड दिस बॉल, यस सपोज दिस इज द बॉल, ओके एंड दिस बॉल इज हेयर एंड यू कैन इमेजिन दैट द मास ऑफ दिस बॉल इज 2 kg मास, मास इज 2 kg एंड दिस हाइट, दिस टोटल हाइट, सपोज दिस हाइट लेट इट बी हाउ मच यू कैन टेक, सपोज लेट इट बी 10 meter. So according to this, if I will find out the potential energy of this, that means potential energy of this, so I have to calculate by this formula. That means potential energy equal to mgh. So I am using this formula to calculate the potential energy of this ball. तो इस ball का potential energy हमें निकालना है. तो अब देखो, E means energy, P means potential, that equal to mgh. तो अगर मैं एनर्जी निकाल लूं, कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो मास मेरा कितना दिया है 2 kg, तो मैंने लिख दिया 2. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 एंड हाइट कितना दिया है 10 meter, चलो 10 meter लिख दिया. तो इसको सॉल्व करके मुझे कितना आएगा, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया 4.9 × 10, ये तो हो गया मेरा 49 joule. यानी कि इसके पास कितना एनर्जी होगा, 49 joule. तो इससे हमें क्या पता चला, दैट पोटेंशियल एनर्जी निकालने का मेरे पास एक फॉर्मूला है और बहुत अच्छा फॉर्मूला, एंड दैट इज दिस mgh. तो mgh ये फॉर्मूला यूज करके मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूं. ओके थैंक यू.